আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস, উমিদ হ্যায় আপ খেরিয়ত সে হোগে, সেহতমন্দ হোগে। আল্লাহ আপকো খেরিয়ত সে রাখে এবং গুনাহ সে বচায়ে রাখে। আজ কা হামারা টপিক হ্যায় ইম্প্যাক্ট অফ ইমার্জিং টেকনোলজিস। ইমার্জিং টেকনোলজিস ও টেকনোলজিস হোতি হ্যায় জো তেজি সে নই ইজাদ হোকে আ রহি হোতি। तो आज की हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन्स जो होती हैं, कंप्यूटर्स जो होते हैं, उन्हें ह्यूमंस की तरह बिहेव करता हुआ दिखाया जाता है। यानी वो ह्यूमंस की तरह कोई एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली दो किस्म की होती है, एक होती है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, दूसरी होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में कोई एक टास्क ऐसा कोई मशीन परफॉर्म करती है जो कि ह्यूमंस की तरह से होता है, जबकि जनरल में बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो ह्यूमंस की तरह मशीनें परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट थिंग है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जो है ये ह्यूमंस के कुछ पार्ट्स के ज़रिए उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह जिससे आप कुछ कुछ वाकिफ ही हैं। इसके अलावा है विजन इन्हांसमेंट। विजन इन्हांसमेंट के ज़रिए विजन को इनलार्ज करके, बेहतर करके, प्रोसेस करके बहुत उसकी डिटेल्स भी दिखाई जा सकती है। रोबोटिक्स का जो मैदान है इसमें ऐसी मशीनें ईजाद की जाती हैं जो ह्यूमंस की तरह काम करती हैं। आगे है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। मैंने इसे CAT कैट लिख दिया है, कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन जो है इसे भी आमतौर पे आप लोग वाकिफ ही होंगे कि आजकल हम किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करते हुए। इस तरह क्या होता है कि मशीन्स जो हैं एक लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट कर देती हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में। इससे जो लोग होते हैं दूसरे कंट्रीज और टेरिटरीज़ के जो लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकते, गूगल के ज़रिए या मशीन्स के ज़रिए ट्रांसलेट करके अपना मतलब जो है वो पा सकते हैं और अच्छे तरीके से किसी भी नए एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। अगला है 3D इमेजिंग। 3D इमेजिंग में 3 डायमेंशंस में ऑब्जेक्ट नज़र आता है। ये आप जब इमेजेस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हम ऑब्जेक्ट को अपने सामने देख रहे होते हैं। वैसे तो इमेज में हमें दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेंथ और विड्थ, लेकिन अगर उसकी डेप्थ भी किसी चीज़ की नज़र आ रही हो या हाइट भी नज़र आ रही हो तो हम 3 डायमेंशंस की शक्ल में उसे देख सकते हैं। और अब ये बेहतर 3D इमेजिंग के ज़रिए किया जा रहा है। वर्चुअल रियलिटी, चीज़ मौजूद नहीं होती लेकिन उसका इमेज इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो रियली वहाँ पे मौजूद हो। क्लाउड स्टोरेज जो है ये इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा हमारा स्टोर किया जा सकता है। हम दुनिया में कहीं भी हो तो कहीं भी बैठे हो तो इंटरनेट हमारे पास अगर मौजूद हो तो हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव है। इसके अलावा और बहुत सारी स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है इंटरनेट पे जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम। आजकल तो खैर अडोब फोटोशॉप वगैरह वाले लोग भी आपको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, इन डिटेल देखते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ बायोमेट्रिक्स एंड ऑल दी अदर थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर सिस्टम्स आर क्रिएटेड टू बिहेव लाइक ह्यूमंस, दे कैन थिंक लाइक ह्यूमंस, दे कैन टॉक लाइक ह्यूमंस, they can hear or listen like humans and many other things they can do. They can think, speak and listen. For example, game playing, आप कंप्यूटर के साथ बैठ के चेस खेल सकते हैं। जैसे ह्यूमन खेलता है इसी तरह कंप्यूटर भी आपके साथ खेल रहा होता है। स्पीच रिकॉग्निशन जो है इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज हो रहा होता है। अभी आप लोग भी शायद वाकफ होंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए गूगल को डिक्टेट कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्पीच के ज़रिए डिक्टेट करके बहुत सारे कामों से ले सकते हैं। बोलेंगे तो वो टेक्स्ट में भी लिखा जा सकेगा, ये स्पीच टू टेक्स्ट है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इसकी बात भी अभी हमने थोड़ी देर पहले की,
ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक किस्म है। इसमें एक लैंग्वेज आप देते हैं तो दूसरी लैंग्वेज में कंप्यूटर आपको ट्रांसलेट करके दे देता है। और इसकी एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये इंफॉर्मेशन ले रही होती है रेडार के जरिए या जो है सैटेलाइट के जरिए, और फिर उसके मुताबिक गाड़ी जो है वो चल रही होती है। इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग भी इसमें इस्तेमाल हो रही होती है, एज डिटेक्शन से अगली चीज़ें जो है वो डिटेक्ट हो रही होती है। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक्स, अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, जिस्म का कोई हिस्सा आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट है, ये अब आपने देखा ही होगा, मोबाइल फोन्स भी फिंगरप्रिंट है, लैपटॉप्स कंप्यूटर जो है फिंगरप्रिंट से आपको रिकॉग्नाइज करके लॉग इन करते हैं। आई रिकॉग्निशन आँखों के जरिए भी, आँखों की जो पपल है उसके जरिए भी आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये वही बंदा है। फेस डिटेक्शन है, चेहरे की शक्ल से भी मोबाइल जो है अनलॉक किए जा सकते हैं फेस डिटेक्शन से, यानी फेस को सामने ला के कैमरे के उसे लॉक या अनलॉक किया जा सकता है। इसी तरह वॉइस रिकॉग्निशन है, आवाज़ भी पहचानी जा सकती है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमेट्रिक्स, इट इज़ यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पज एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ये इस्तेमाल किस लिए हो रही होती है, ये इस्तेमाल होती है सिक्योरिटी पर्पज के लिए और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। होता ये है कि अगर मकान का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लाइक कंप्यूटराइज लॉक है तो वो फेस डिटेक्शन से भी खुल सकता है, वॉइस रिकॉग्निशन से भी खोला जा सकता है। इसके अलावा फिंगर प्रिंट के जरिए भी, अब तो ATMs जो है उन्हें भी फिंगरप्रिंट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। वीयर इन्हांसमेंट, इट हेल्प्स द पीपल टू सी बेटर बाय यूजिंग जूमिंग फैसिलिटी और बाय इनलार्जिंग द टेक्स्ट को बड़ा करके, जूमिंग फैसिलिटी जूम आउट जूम इन करके। इसके अलावा नाइट विजन गॉगल्स होते हैं, यानी चश्मे ऐसे होते हैं जो अंधेरे में भी आपको दिखा देते हैं। इसी तरह कैमराज जो होते हैं वो भी नाइट कैमराज जो है उनसे इमेजिंग की जा सकती है रात के वक्त भी, और फिर इन इमेजेस को ICT डिवाइसेस तक पहुंचा के प्रोसेस करके इनहांस किया जा सकता है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग वाकिफ होंगे, आजकल एक्सरे जो है वो भी डिजिटल एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे में बहुत फाइन किस्म का इमेज लिया जाता है जिससे बहुत बारीक बारीक किस्म के फ्रैक्चर्स भी देखे जा सकते हैं। यह भी इमेज इन्हांसमेंट की एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा इमेज को प्रोसेस करके अगर ब्रोकन इमेज है तो उसे भी रिपेयर किया जा सकता है डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमेज इन्हांसमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है रोबोटिक्स, रोबोटिक्स वो नॉलेज है जिसमें रोबोट्स की स्टडी की जाती है कि कैसे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रोग्राम किया जाता है। रोबोट्स आर यूज टू परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क रोबोट से लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज इन डिफ्यूजिंग लैंड माइंस जो होती हैं, माइंस जो होती हैं ये वारफेयर पर्पज़ के लिए ज़मीन में नस्ब कर दी जाती हैं। ऊपर मट्टी होती है, जो ही उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है तो वो फट जाती हैं, बम की तरह ब्लास्ट होती हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग्स जो है उनकी डेथ भी हो सकती है। ये दुश्मन से बचने के लिए एक तरीका है जिसे इख्तियार किया जा सकता है जंग में, और जब जंग ओवर हो जाती है तो उसके बाद वही लोग जिन्होंने वो लैंड बिछाई होती हैं वही कदरे आसानी के साथ, क्योंकि उनके पास मैप पहले से मौजूद होता है जिसके मुताबिक उन्होंने उन माइंस को वहाँ पे इंस्टॉल किया होता है। अगर वो ना हो तो फिर इंसान जो है, जाहिर सी बात है ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो फिर वहाँ पे रोबोट्स यूज़ होते हैं कि रोबोट्स जो हैं जाहिर सी बात है ये मशीन है, दोबारा रिपेयर हो सकती है, नुकसान भी हो जाए तो रोबोट्स को लैंड माइंस को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फायर फाइटिंग, अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि जहाँ आग ज़्यादा होती है ह्यूमंस जो जाएँ तो नुकसान का खदशा होता है, रोबोट्स वहाँ पर आसानी से जाके मुकाम कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, जाहिर सी बात है इस फील्ड में अब बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, फिजा को एक्सप्लोर, खिला को एक्सप्लोर किया जा रहा है, मुख्तलिफ
जो प्लैनेट्स हैं वहाँ तक भी जाया जा सकता है, और रोबोट्स को भेजा जाए तो उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में नहीं होती, लिहाजा रोबोट्स का इस्तेमाल करके इसे आसानी से सारा कुछ किया जा सकता है। रोबोट्स को हैवी लोड्स उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल तो रोबोट्स जो हैं वो वेटर्स के तौर पे रेस्टोरेंट्स में फूड सर्व कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, यानी उन जगहों पे जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी को खतरा है वहाँ पे जाके रोबोट्स ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बेहतर तरीके से, सेफर तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3D एंड होलोग्राफिक इमेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है और एनिमेटेड सीक्वेंसेस जो होती हैं उसे 3 डायमेंशंस में दिखाया जाता है। एक्चुअली वो इमेज होता है जिसे स्पेस में क्रिएट किया जाता है और वो बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होता है। हमें यूं ही लग रहा होता है जैसे हम रियली उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। 3D होलोग्राफिक मैप्स ऑफ बैटल स्पेस आर यूज फॉर वॉरफेयर पर्पसेस। 3D जो होलोग्राफिक मैप्स हैं उसे बैटल पर्पस के लिए, बैटल स्पेस में वारफेयर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सोल्जर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उन्हें वो स्पेस बिल्कुल रियल ही नज़र आ रही होती है, जैसे रियल होती है, होती वो इमेजिंग में है, तो वो जाने से पहले उस बैटल फील्ड को देख चुके होते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं और वो प्रैक्टिस के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि दुश्मन की टेरिटरी हो सकती है जहां आपको वैसे अलाउ नहीं होगा जाना, तो वहां पे ट्रेनिंग जो है उस किस्म की ट्रेनिंग आप बैठे हुए कंप्यूटर पे कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी, अगर 3D सिनेमा में कभी जाने का इत्तेफाक हो आप लोगों को, तो गार्गल्स या हेलमेट्स होते हैं जिनके जरिए जो पिक्चर पे तस्वीर होती है वो बिल्कुल, जो स्क्रीन पे इमेज होता है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है जैसे रियल लाइफ है। अगर कोई प्लेन आ रहा है तो यूँ लग रहा है कि वो बिल्कुल इमेज नहीं है बल्कि एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा होता है कि वो हमारी तरफ आ रहा होता है। इसे यूज़ किया जा सकता है वीडियो गेम्स में इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, इसके अलावा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, मेडिकल या मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को ऑर्गन्स बिल्कुल रियल शक्ल में नज़र आ रहे होते हैं, और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वैसे ही जैसे हम 3D होलोग्राफिक इमेजिंग में देख चुके हैं कि दुश्मन की टेरिटरी जो है वो मुकम्मल आपको रियलिटी में नज़र आ रही होती है, वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए उसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज से आप में से शायद कुछ लोग वाकिफ़ हो, इंटरनेट पे हम अपना डेटा जो है उसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, इसके अलावा स्काई ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, आई क्लाउड है, ये एप्पल की डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। गूगल ड्राइव तो आपके पास गूगल अकाउंट हो, ड्राइव कोई मतलब आपके पास डिवाइस कोई भी हो तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपना डेटा इंटरनेट पे क्लाउड स्टोरेज पे रखते हैं, अब आप को कोई चीज़ कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, किसी और शहर में गए हैं, इवन किसी और कंट्री में हैं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो तो आप अपने उस डेटा तक आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपने क्लाउड स्टोरेज पर दिया हुआ। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट जो लेसन है आपका वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो उसके लिए अगर आपके लिए आपके पास कोई कंप्यूटर जो है अवेलेबल हो जाए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल्ड हो, तो आपको सीखने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस चैप्टर के नोट्स आपको अनकरीब हमारी अपनी वेबसाइट जो है उस पे मिल जाएंगे। अगले सबक तक के लिए, अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़। आपको डिस्क्रिप्शन में साइट का एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे नोट्स मौजूद होंगे।